हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कल से निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से अहम लेवल हो सकते हैं जहां से निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको कुछ मूव देखने को मिल सकते हैं, बेहतर वो अप या डाउन उसको हम समझेंगे। पहले तो मैं बता चाहता हूँ, अभी प्रीवियस टाइम हमने टेलीग्राम पर शेयर किया था साफ साफ अपने चैनल पर, वैसे तो मार्केट मुझे अनडायरेक्शनल मोड में लग रही है, लेकिन निफ्टी में मुझे मन कर रहा है कि मैं हीरो जीरो से लॉन्ग हो जाऊं। फिर लिखा लॉन्ग का मतलब अपसाइड। और दोस्तों उसके बाद आपने देखा ये जो हमने निफ्टी फिफ्टी में जो ग्रीन कैंडल आई थी, ये कैंडल आई थी, इस कैंडल को हम लोगों ने कैप्चर किया था, ठीक है। हाँ, आप देखिए क्या है चीज, समझ लीजिए कि इस समय मार्केट में जो सपोर्ट लेवल बन रहे हैं या जो हमारे ऊपर के सप्लाई जो बन रहे हैं जिसको रोक सकते हैं मार्केट में, इन सबको बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड करना, जब तक हमको पूरा हमारा जो हमारा लेवल है स्टडी करने का पूरा 100% तक लगभग हमको क्लियर ना हो, हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय मार्केट में चार थोड़ा कम हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस समय मार्केट में न्यूज पे न्यूज न्यूज पे न्यूज आए जा रही है, इसलिए बहुत ही सावधान रहना है। उसके तहत हमने थोड़ा स्टडी किया है बहुत ही मेहनत से, वो कुछ लेवल है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसको आप मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस निफ्टी का चार्ट है, डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक डिमांड जोन एरिया थी, ठीक है। मैंने इस एरिया का डिस्कशन अभी प्रीवियस वीडियो में भी किया था और हमारा जो निफ्टी फिफ्टी है वही आगे क्लोज हो गया है। वो टाइम फ्रेम था 15 मिनट का, सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं था, ये जो हमारा डिमांड जोन था एक्चुअली ये डिमांड जोन हमारा यहाँ पर 1 आवर का एक बॉटम एरिया था, ठीक है। लेकिन क्या है, हम इस समय कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं ले रहे हैं, इसके इसलिए हमने इसको फ्राइडे को इसको स्क्वायर आप करके क्लोज कर दिया पोजीशन। इस समय माहौल ही ऐसा है कि हम अगर आपसे ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में तो भैया मैं उसी दिन का उसका हिसाब कर देने वाला हूँ, अगले दिन मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ। तो एक बार दोस्तों हम आते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ठीक है। आप 125 पर आइए, 75 पर आइए, 4 आवर पर आइए, 2 आवर पर कुछ पिक्चर दिख रही है। देखिए 2 आवर में क्या है, निफ्टी फिफ्टी ने सप्लाई जोन बना रखा है। सप्लाई जोन काम होता है ऊपर जाती हुई प्राइस को रोकना, और डिमांड जोन का काम होता है नीचे आती हुई प्राइस को ऊपर धकेलना, ठीक है। मैं एक सप्लाई जोन की यह मार्किंग करता हूं, यहां सेलेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका कलर करते हैं रेड से, यह एक सप्लाई जोन एरिया है, मतलब 24,600, मोटा मोटा 24,600 पर एक निफ्टी फिफ्टी में सप्लाई जोन बन चुका है, जो ऐसा कर सकता है कि अगर यह सप्लाई जोन अपना पोटेंशियल प्रूफ करता है, यहां पर सेलर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हो सकता है निफ्टी फिफ्टी इस सप्लाई जोन में जाए, इसको हिट करके अगेन वापस आए, ठीक है। गैप डाउन खुल जाती है तब तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है, इन केस मान लीजिए यही बीच में खुलती है तब ऊपर जाती है, तो ऐसा हो सकता है। तब जो एक अहम सपोर्ट निफ्टी का हो सकता है, मुझे तो वो निफ्टी फिफ्टी का एक तरीके से कहूं लास्ट सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद एक बहुत बड़े करेक्शन के बाद ही अब निफ्टी फिफ्टी में कोई अच्छा डिमांड जोन नजर आ रहा है। तो जो लास्ट सपोर्ट है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो लेवल ये हो सकता है, इसको मैं ग्रीन लाइन से मार्क कर देता हूं, ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कि एंट्री लाइन, और डिस्टल मतलब हो गया ऑलमोस्ट वो एसएल लाइन, ठीक है। तो जो अब निफ्टी फिफ्टी का अगला सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 24,337 पर, मतलब 24,337, मोटा मोटा मानिए तो 24,340, 24,340 पर एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर निफ्टी फिफ्टी इस वाले सपोर्ट को हिट करती है तो यहां से हो सकता है निफ्टी को सपोर्ट मिले, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, हम कभी भी इस समय इंडेक्स में कोई भी ट्रेड करेंगे हम किसी बहुत बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करने वाले हैं, हमको मार्केट जो भी थोड़ा बहुत पैसा देगी हम उसको लेकर संतोष कर लेने वाले हैं, हम लंबा टाइम रुकेंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया मैंने एक रिस्क ले रखा है, मैंने दिसंबर मंथ का निफ्टी का पुट खरीद के रख लिया अभी से, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है अगर यहां से सेलिंग आती है मार्केट में तो अब अच्छे डिमांड जोन नहीं है निफ्टी में जो उसको अच्छे से होल्ड कर पाए, मजबूत डिमांड जोन नहीं दिख रहा हमको, ठीक है।
अगर मैं उस जगह पर डिस्कशन करना चाहता हूं जो मुझे दिख रहा है, जो ठीक दिख रहा है, वो निफ्टी फिफ्टी का एक अच्छा जोन यहां पर दिख रहा है, एक ये एरिया हो सकती है, मतलब कि 23,500, 23,500 के पहले मुझे निफ्टी फिफ्टी में कोई अच्छा जोन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि निफ्टी फिफ्टी तुरंत जो है एक ही दिन में यहाँ पहुंच जा रही है, जो नीचे यहाँ पर 1 आवर 2 आवर का छोटे छोटे डिमांड जोन होता है उसमें आए, रिएक्ट हो, फिर आए, फिर रिएक्ट करते करते धीरे धीरे आए, ठीक है। बाकी मार्केट सुप्रीम हो सकता है नई बाइंग आ जाए, मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है। फिलहाल 24,300 का जो है, 24,337 या मोटा मोटा कह सकते हैं 24,340 पर अब निफ्टी फिफ्टी में अगला सपोर्ट हमको नजर आ रहा है, जहां से मार्केट होता होल्ड हो जाए। अब आते हैं निफ्टी बैंक, कुछ ब्रांच यहां पर हैं, इनको करते हैं डिलीट। जब हम इसमें आते हैं निफ्टी बैंक में, इसमें भी हम 2 आवर में ही जाते हैं, 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे होंगे निफ्टी फिफ्टी बार बार क्या कर रही है, सप्लाई जोन बना रही है और उसी को तोड़ नहीं पा रही है। आप देखेंगे एक सप्लाई जोन ये था, इसको एक बार मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नीचे आ गई, फिर एक सप्लाई जोन ये था, इसको होल्ड कर रही है, वैसे ही अगला सप्लाई जोन ये बन चुका है। अगला सप्लाई जोन कहाँ है, अगर इसकी मैं प्रॉपर मार्किंग कर देता हूँ रेड कलर से, ये सप्लाई जोन, मतलब कि ये 52,533, मोटा मोटा 52,533 या 52,540 पर एक यहाँ पर सप्लाई जोन है। अगर यही कहीं से रिएक्ट होने की कोशिश करती है, यहाँ एक बात और ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर निफ्टी बैंक ने एक डिमांड जोन बना रखा है जिसका मैंने डिस्कशन ग्रुप में कर रखा है, ये डिमांड जोन, ठीक है। इन केस हो सकता है निफ्टी बैंक अगर बहुत बड़ा करेक्शन नहीं करती, आराम से नीचे आती है, हो सकता है धीरे धीरे इस डिमांड जोन में आ जाए, यहां से रिएक्ट करने लगे, तो भी हम यहां से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करते हैं कि यहां से बहुत बड़ा मूव आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये डिमांड जोन जो है, ये जो डिमांड जोन बना है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जैसा मार्केट का भी सेंटीमेंट है कि मार्केट में थोड़ा सा निगेटिव न्यूज ज्यादा चल रही है और कुछ दमदार कंपनी के रिजल्ट उतने नहीं आए जितने एक्सपेक्ट किया गया था, तो उसकी वजह से हो सकता है एक बार को ये थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करे, उसके बाद नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। इसलिए मैं इस जगह को फिलहाल अभी तक के प्राइस हिसाब से इसको अवॉइड कर रहा हूँ, बाकी कल देख लेंगे लाइव मार्केट में क्या सिचुएशन आती है, ठीक है। इन केस जब डिमांड अगर टूट जाता है तो अब एक इसमें डिमांड जोन की ये एरिया हो सकती है, मैं थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ, निफ्टी बैंक में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो अब एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, इसके आसपास के एरिया अगर आप इसको बिटवीन मार्क कर देते हैं, मार्क कर दीजिए, तो 51,389, मोटा मोटा 51,400, 51,400 के पहले निफ्टी बैंक में अच्छा है, जिसे बोलते थोड़ा ठीक ठाक वाला जोन 51,400 के पहले मुझे नहीं जग लग रहा है कि अच्छा जोन है इसमें, ठीक है। अब जैसे कि अभी जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गए तो आप देखिए कितना खूबसूरत आपको डिमांड जोन नजर आया, अभी जो आपने डिस्कस किया था 2 आवर के टाइम फ्रेम पर, ये वाला जोन, ठीक है। हाँ, अगर निफ्टी बैंक इस वाला जोन में आ जाती है और थोड़ा ठहर जाती है, ठीक है, कोई कंफर्मेशन मिलता है तभी यहाँ पर कोई रिस्क लेंगे, अदरवाइज मैं तो प्रॉपर फिर 51,400 का ही वेट करने वाला हूँ, उसके पहले लॉन्ग होने का मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल मैं तो यही करने वाला हूँ कि मैं तो कोशिश करूंगा इस न्यूज बेस्ड मार्केट में इस समय ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों करूं, बहुत सारे स्टॉक भी नीचे आ रहे हैं, मैं उनके डिमांड जोन की तरफ ज्यादा फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। इंडेक्स की तरफ तभी मैं पढ़ूंगा जब प्रॉपर लेवल मार्केट आएगी और प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगी, तभी रिस्क करूंगा, क्योंकि 2 ही 4 दिन की बात और बची है, 2 4 दिन में अगर गलती से कोई लॉस हो गया उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाता है, जिससे जब मार्केट किसी अच्छे जोन में आती है तो भी आपको ट्रेड करने से डर लगने लगेगा कि एक बार असर हो चुका है कहीं इसमें तो नहीं हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस मेरा ना गिरे, मुझे ऐसा फील हो कि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ उसमें टारगेट मिल ही जाता है लगभग, तो उस चीज को बनाए रखने के लिए कोशिश करना चाहिए कि मार्केट हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन ना कर पाए। अगर लगे कि ये लेवल चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा मार्केट में न्यूज चल रही है, निगेटिव सब कुछ चल रहा है, तो
थोड़ा सा अवॉइड ही करें जिससे कॉन्फिडेंस हमारा बरकरार रहे आने वाले दिनों के, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से थी, बहुत दिनों से है, बहुत दिनों तक रहेगी, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा, और लाइव मार्केट में निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज या किसी स्टॉक को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार क्या होता है उसको आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। प्लीज आप वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहें। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में वही एक चीज, बस डिस्क्लेमर, हमने जो भी लेवल शेयर किए वो दोस्तों मेरा एक व्यक्तिगत विचार था जो गलत भी हो सकता है, इसलिए हमारे बताए किसी लोगों को कोई रिकमेंडेशन टिप्स बिल्कुल मत समझे। हमेशा ध्यान रखें मार्केट में आप वही ट्रेड करें जहां पर आपकी एनालिसिस आपको अलाउ करे, किसी कहने पर कभी कोई ट्रेड ना करें। थैंक यू।